भाई चार पांच गाड़ियां लग गई है एट ए टाइम। ओए होए 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 होए, गुड बाय गुड बाय गुड बाय। और 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 गाड़ी यहाँ पे कर ली पार्क भाई। और गाइस इतनी गर्मी है ना भाई, जिसका कोई हिसाब नहीं। इमरान भाई को दे दी रेस्ट। और यहाँ देख रहे हो एक्सप्रेस पे आ चुके हम। तो यहाँ किसी भाई ने आवाज दी भाई, देखते है कौन है कौन नहीं। उसी तरह पहले भाई से मिलते हैं, देखते हैं यार। अभी व्लॉग वगैरह स्टार्ट ही किया था भाई, पहले ही मिल गया। आप बहुत लकी हो पता है, आप लकी हो बहुत। और बताओ, मैंने ये किया कि व्लॉग क्यों ही स्टार्ट किया नया वाला। मैंने आपके कनाल से वीडियो देखी है, अभी आप टायर चेंज करवा रहे थे ना, तो मैंने उधर भी देखा। गाड़ी आपकी है? हाँ। क्या कर रहे हो? माल ही नहीं कोई। कहाँ जाना है? जाना श्रीनगर। जम्मू नंबर है? हाँ जम्मू। कौन सी जगह? मैंने वीडियो देखी भाई। देखा मेरे घर के भाई अपने जम्मू के मिल गए। क्या नाम है आपका? मेरा संजू आरसपुरा से। संजू भाई आरसपुरा से। संजू भाई ने बोला राजा भाई फेसबुक पे वीडियो आपने देखी होगी या यूट्यूब पे? ना भाई, मैं फेसबुक पे भी देखता हूँ ज्यादा। फेसबुक पे भाई को करंट अपडेट मिल गई है। और अभी अभी हमने बाईपास पार ही किया था और सोनीपत रोड में चढ़े था एक्सप्रेस पे गए, चढ़े थे, दूसरी गाड़ी अपनी निकल गई। आप टायर चेक करो जल्दी जल्दी। तो संजू भाई से मिलते हैं भाई, तो इसके बाद रखते हैं अपना सफर कंटिन्यू। अभी तक जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर दो सब्सक्राइब। और ये वाला व्लॉग ना नाइट वाला व्लॉग रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी भाइयों की डिमांड थी राजा भाई नाइट व्लॉग करो, नाइट व्लॉग करो। शाम के 7 बज चुके गाइस। और यहाँ देख रहे हो भाई दानू सो गए, दोनों की ड्यूटी लगाएंगे रात को। दोनों भाई रात को ही गाड़ी चलाएंगे। मैं अभी कंटिन्यू चल रहा हूँ, ये दोनों सो गए, क्योंकि गाइस इनको रात को चलना है। तो भाई देख रहे हो पेट के लिए छोटा सा बच्चा, जिसको मतलब खेलने कूदने की उम्र है, वो देख रहे हो आज। और काफ़ी भाई बोल रहे हैं ना कि शायद राजा ये व्यूज़ के चक्कर में इसको साथ रखा है या कुछ। भाई ऐसा कुछ नहीं है, देखो यार घर से ना इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यार। देखो अभी इसके खेलने कूदने की उम्र है, थका हुआ है, पूरी रात से जाग रहा था, पूरी रात से दिन को भी नहीं सोया। तो अभी मैंने बोला आप सो जाओ, क्योंकि रात को इमरान भाई गाड़ी चलाएंगे तो इनके साथ ही चलेंगे और अपने साथ दूसरी गाड़ी चल रही है। देखो आराम आराम से दोनों भाई चल रहे हैं, एक्सप्रेस में आराम से चलेंगे ना। और ऊपर से ना हमें मंडी वगैरह कुछ जल्दबाजी नहीं कर रही है, और ना जल्दी जाना है, मंडी भी नहीं है। आराम आराम से जाएंगे, गाड़ी तेल भी छोड़ेंगे। तो भाई चलो कहीं जाके रुकेंगे भाई, चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द है। और आप ये बात बोलोगे राजा भाई टेबलेट की जगह आप चाय क्यों ले रहे हो? देखो भाई हमारा काम ही ऐसा, अगर चाय पियेंगे ना तो थकावट महसूस नहीं होती। तो चलो भाई कंटिन्यू चल रहे हैं। आज रात के 11 बज चुके हैं भाई, और हम पहुँच चुके हैं होटल में। यह एक होटल पे आगे भाई देख रहे हो, यहाँ मेवाती डब्बा था, यहाँ बैठे और खाना वगैरह खा लिया, देसी मंजा पड़ा हुआ है। तो चलें भाई, तो रखते हैं गाइस अपना कंटिन्यू सफ़र भाई। आप नहीं रुकेंगे, क्योंकि सुबह ऐसा अपना टारगेट होना चाहिए कि ढोलपुर पार होना चाहिए, क्योंकि ढोलपुर से पीछे ना बहुत ज़्यादा जाम लगता है। तो मैं चाहता हूँ भाई निकल जाएँ यहाँ से, छोटे ने मिरर वगैरह सारे रेडी कर दिए, तो भाई यहाँ से निकलते हैं। और मैं अभी रेस्ट करूँगा, इमरान भाई गाड़ी चलाएंगे, जब इमरान भाई को नींद आएगी तो मैं खुद चलाऊँगा भाई, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे भाई। और अगर नींद कहीं आ गई तो सो भी जाएंगे, क्योंकि भाई थके हुए ना और माइंड में ना बहुत ज़्यादा नींद है यार, बहुत ज़्यादा अभी भी। सच बोलो हिमाचल की रोड रात के भाई 4 बज चुके हैं, यहाँ देख रहे हैं भाई रात के 4 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं ढोलपुर। गाइस ढोलपुर आके अपने साथ एक सीन हो चुका भाई, ढोलपुर वाले आंटियों ने पकड़ लिया और हमसे मांग रहा था 2,000 रुपये, लेकिन हमने नहीं दिए। अभी इमरान भाई और दूसरी गाड़ी पीछे थे, उन्होंने फिर पेमेंट करा थी मेरी गाड़ी की, तो वो फाइल ही ले गए, जो फाइल के बिना गाड़ी आगे लेके आ गया। अभी इमरान भाई और भाई का वेट कर रहे हैं, आस्ता आस्ता चल रहे हैं मैं और छोटा, क्योंकि इमरान भाई दूसरे भाई के साथ और भाई को नींद आ रही थी। इमरान भाई को मैंने बोला आप उनके साथ ही चलो ताकि उनको नींद ना आए। तो गाइस कंटिन्यू चल रहे हैं भाई और चल के कहीं रुकेंगे। काफ़ी भाई ढोलपुर से मुझे फ़ोन शोन भी करते रहते थे मैसेज, आज मैंने देख लिया भाई, मैंने रात को सबको फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं पिक किया, एक भाई था जिसने फ़ोन ही उठा के स्विच ऑफ कर दिया। चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसा होता रहता है नींद। भाई पहुँच चुके हैं मेन ढोलपुर और अपने भाई पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि इमरान भाई उसकी गाड़ी में गया था और इमरान भाई भी वहीं सो गया, क्योंकि भाई इमरान भाई भी ना रात को जाग रहा था। और गाइस यहाँ एक्सीडेंट हो गया, मुझे लगता है तगड़े वाला हो गया एक्सीडेंट। गाड़ियाँ सारी लिंक रोड से ही जा रही है, अब रब जाने क्या सीन हुआ होगा क्या नहीं, क्योंकि पुलिस की गाड़ी भी आ गई और रब खैर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है बंदा ना फुटपाथ पर चढ़ गया, ऐसा लग रहा है भाई भी पीछे रह गई, हमने गाड़ी यहाँ घुसा दी क्योंकि मेन हाईवे बंद हो गया भाई, अब गाड़ियाँ सीधा निकल रही हैं। तो चलो देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं।
आगे दिखाते हैं भाई क्या हुआ क्या नहीं, किसकी गलती है, क्योंकि चार पांच गाड़ियां इकट्ठी हैं और लगता है कि तीन गाड़ियां इकट्ठी लगी हैं। कैंटर तो कैंटर है, बार्ड में जा रही है ना। आगे सामने हमारे साथ गाड़ी चल रही है, मुझे लगता है ये टमाटर के लिए जा रहा है भाई। ग्रेड देख रहे हो गाइस, हाइट चेक कर रहे हो भाई, हालत खराब हो चुकी है। यहाँ देख रहे हो तीन गाड़ियां लग चुकी हैं, अटैक गुड आनी है। देख रहे भाई चार पांच गाड़ियां लग गई है एट ए टाइम, चार ही। ओए होए 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 होए, मुझे नहीं लगता महिंद्रा का ड्राइवर बचा होगा भाई, गलती आगे फ्रंट वाले की गाड़ी वाले की है, क्योंकि इसने ना कोई हो भाई 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 तो गाइस तभी बोल रहा हूँ भाई, हमेशा यही व्लॉग में बोलता हूँ भाई प्लीज सेफ राइड यार, क्योंकि घर वाले हमेशा वेट करते रहते हैं कि हमारे बच्चे कमाने गए हैं, और बच्चे ऐसे रिस्क ले रहे हैं भाई जैसे कुछ नहीं। देख लो मतलब पाँच गाड़ियाँ एट अ टाइम ठुक गई। तो गाइस यहाँ लग चुका है जाम, और भाई देख लो मेरी फेवरेट गाड़ी आ गई है अभी हमारे इंडिया में ना, ये गाड़ी बहुत प्यारी है भाई, मुझे वॉल्वो की गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब मुझे ना शौक़ है इसको चलाने का, लेकिन बट है ही नहीं कोई अपना बंदा जो ये चलाता हूँ, उसको लेके मैं टेस्ट ड्राइव वगैरह ले लूँ। इसको नींद आ गई थी क्योंकि पूरी रात से जाग रहा है, मैंने बोला भाई अब सो जा, रात को 11 बजे उठा था, शाम को सोया और रात को 11 बजे उठा, फिर अभी दोबारा से जो है ना सो रहा है मैंने। चलो आज देखते हैं टाटा वर्सेज एशियर रेस हो जाए, खींचना शुरू हो गया, मैंने ऐसे ही बोला रेस होता है, खींचना शुरू हो गया। ओ भाई भाई आराम से आराम से आराम से भाई भाई चेक कर रहे हो, ओ ओ ओ ओ ओ भाई आराम से आराम से, ये बंदा ना आज पागल हो गया, मुझे लगता है भाई कैमरा देख रहा है ये भी पागल हो गया। ओ आज तेरी मैंने गाड़ी क्रॉसिंग कर ली, क्योंकि भाई ये कट वगैरह मार रहा था, तो अगर कुछ हो जाता तो आप बोलते राजा भाई आपकी वजह से ऐसा कुछ हो गया, रब ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ भाई ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि ये कट वर के सीधे मार रहा है ना भाई, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो गाइस ग्वालियर पार करके एक जगह रुक के गाइस और नहा धो लिया भाई, एकदम फ्रेश होके, राहिल भाई ने भी नहा लिया, इमरान भाई और छोटू अभी सो रहे हैं, वो अभी नहीं उठे क्योंकि भाई मैंने उनको उठाया नहीं, वो पूरी रात जागते रहे ना, और इमरान भाई सुबह 4 बजे उन्होंने मुझे गाड़ी दी, उसके बाद फिर राहिल भाई की गाड़ी में जागते रहे, और छोटू भी जागता रहा भाई, छोटू का वेश वॉश ला दिया, तो उनको उठाना अच्छा नहीं समझा, दोनों भाई गाड़ी में सोए हैं, तो चलो भाई वो सो जाए। अब चलते हैं सीधा भाई होटल पर, यहाँ अपना होटल पर चाय वगैरह पीते हैं और यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि भाई अपना ललितपुर का सफ़र रह गया 180 किलोमीटर, वहाँ जाएंगे और गाड़ी का ना फिर से टैंक फुल करवाएंगे भाई, टैंक फुल करवा के फिर रखेंगे भाई अपना कंटिन्यू सफ़र। आज तो आरटीओ ने ना हमें लूट ही लिया बहुत ज़्यादा, ऐसे ज़िंदगी में मैं चलता रहा यहाँ लेकिन मुझे आरटीओ कभी नहीं ऐसे मिला, लेकिन ये पहली बार राहुल भाई आरटीओ ऐसे मिला नहीं। यहाँ रही अपनी गाड़ी गाइस, एक चीज़ है ना एप्पल अगर लोड करोगे ना रस्सी ढीली वगैरह नहीं होती, अगर केला लोड करते ना रस्सी दो बार खींचनी पड़ती क्योंकि केला बैठ जाता है ना, क्योंकि केले का वजन ना वो थोड़ा बैठ जाता है और उसके बाद ना वो डिली हो जाते हैं। दोनों गाड़ी देख रहे हो भाई ये चीज़ है, मतलब देख रहे हो वो 22 फुटी गाड़ी है, 23 फुटी, उसमें देखो हाइट कितनी है और इसमें हाइट बिल्कुल कम है भाई। फिल्टर इसका भी खोल के साफ करना, दोनों का कर दिया ठीक है, अच्छे से फिट कर दी ना, अच्छे से फिट की ठीक है भाई। चलते हैं सीधा ढाबे के अंदर और खाते हैं पराठा वराठा या चाय पीते हैं, क्या चाय भी नहीं है भाई। अपना ब्रेकफास्ट कर लिया एक नंबर भाई, एक नंबर देख रहे हो, तीनों भैया ब्रेकफास्ट कर लिया, तीन सोए वो करेंगे भाई। अच्छा लगा आपका ब्रेकफास्ट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा लगा यार। देखो
ब्रेकफास्ट किया हमने, मतलब मैं सच बोलूँ तो सफ़र में पहली बार जो मतलब मुझे अच्छा परौठा वगैरह अच्छा हमेशा ऐसे ही रखना भाई, जो भी आएगा ना उसको ऐसे ही रखना, क्योंकि अगर किसी के साथ अच्छा खाना दोगे अच्छा करोगे तो सब। हाँ तो गाइस यहाँ देख रहे हो बंदा उठ चुका है भाई। कैसी लगी नींद? कैसे रही नींद? मस्त, बंदा मस्त तरीके से सोया हुआ था। अभी टाइम हो रहा है दिन के 12 भाई, 12 बज चुके हैं। हमने ब्रेकफास्ट वगैरह भी किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया भाई। देख रहे हो, सो इमरान भाई अभी भी सोया हुआ है, इसकी नींद खराब नहीं करेंगे ये, क्योंकि लेट उठना चाहिए, रात को गाड़ी भी चलाएगा। और अभी हमने टर्न ले लिया भाई जौसी वाली साइड, अभी जौसी वाली रोड पे चढ़ चुके। भाई ने बोला कि राजा भाई आज खाना वगैरह अपना बनाएंगे, क्योंकि गाइस ऐसा सीन है ना भाई, बाहर का खाना खा खा के ना भाई हालत ही ख़राब हो जाती है यार। अगर बाहर का खाना वगैरह खाते हैं ना तो उसे हालत वगैरह बिल्कुल तबाह वगैरह बर्बाद हो जाती है, पेट की मतलब हालत ख़राब ही हो जाती है और पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है। और गाइस अपना साथ चेक कर रहे हैं, मेहमान वाला भाई साथ साथ भाग रहा है। तो गाइस चलो चलते हैं यहाँ से भाई, और कहीं रुकते हैं, सब्जी वगैरह ले लेते हैं और चावल वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि राशन पानी भी ख़त्म हुआ भाई, नमक हल्दी मिर्ची अपनी गाड़ी में पड़ी। और गाइस ऐसा सीन है भाई कि आज ना भाई ने बोल दिया कि राजा भाई चलो ड्रैग रेस करते हैं BS6 और BS4 की, मतलब आपके पास BS6 है और मेरे पास BS4 है, तो एक सीधी जगह हम गाड़ी को ड्रैग करते हैं, मतलब थोड़ी रेस वगैरह कर लेते हैं। तो भाई को अच्छा सा ट्रैक वगैरह देखेंगे, वहाँ हम गाड़ी को ड्रैग वगैरह करेंगे, थोड़ी रेस वगैरह करेंगे भाई, देखेंगे कैसा लग रहा है, और अपने Insta360 से शॉट लेंगे भाई, देखते हैं कि कौन सी गाड़ी में अच्छी पावर है। रिस्क नहीं लेंगे, मतलब जहाँ हाईवे होगा ना बुल्ला एक्सप्रेस, वहाँ से 5 किलोमीटर की ड्रैग रेस करेंगे। तो गाइस फाइनली भाई पहुंच चुके हैं ललितपुर पंप है, जहाँ से हम अक्सर तेल डलवाते हैं भाई। देखो मैं 6 महीने बाद आ रहा हूँ, लेकिन वहीं से तेल डलवाना भाई, क्योंकि यहाँ ना बहुत अच्छी एवरेज है इस पंप की, और इस पंप पे ना अच्छी फैसिलिटीज वगैरह है। और देख रहे भाई छोटू चावल बना रहे हैं और दूसरी गाड़ी में बन रही है सब्जी, उससे पहले भाई दिखा देते हैं अपना पंप। देख रहे भाई गाड़ियों का रश है बहुत ज़्यादा है, गाइस चेक कर रहे भाई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भाई, इस पंप में ना अक्सर रश होता है भाई। देख रहे हो वहाँ भाई की गाड़ी तेल डलवा रही है, तो अपनी पेमेंट वगैरह आ जाए अकाउंट में, उसके बाद तेल वगैरह डालने के, और गाइस यहाँ से पकड़ेंगे अपनी फ्लाइट। उससे पहले भाई नहा धो लेते, एकदम फ्रेश हो जाते हैं, फिर से नहा धो के फिर निकलेंगे। देख रहे हो कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे, गाड़ी चेक कर रहे हो भाई कितनी लंबी है, 12 टायर है, लेकिन बहुत लंबी है, इसमें पता नहीं हल्का माल जाता है क्या। और वहाँ देख रहे हो तमिलनाडु की गाड़ी, वहाँ भी बहुत सारी गाड़ी, और अपनी गाड़ी वहाँ पर तेल डलवा रही। तो गाइस बादशाह को पार्क कर दिया भाई, अब टैंक फुल करवाएंगे अपने बादशाह का, क्योंकि भाई ने पहले ही करके वहाँ रखी थी और मैंने खाना वगैरह खाया उसके बाद कर रहे हैं। अब देखना भाई गाड़ी ने कहाँ से डाला था, इमरान भाई आपने हिमाचल से? हाँ हिमाचल, हिमाचल से भाई ने डाला था, और अब देखते हैं गाड़ी में कितने का डीजल आ रहा है, वहाँ से हमने फुल करवाया था। और गाइस यहाँ ना रेट है 90 महंगा हो गया आज? नहीं भैया इतना ही है, 90-97। नहीं पहले तो हमारे J&K और यहाँ ना, यहाँ सस्ता था J&K से भी, आज J&K में 82 है और यहाँ 90 है। आप कहाँ से हो? यहीं से? हम यहीं ही हैं भैया। क्या नाम है आपका? अजय यादव। ठीक है जी भाई, याद रखना, भूल जाते हो, आधे बंदे मुझे याद करते हैं, आधे बंदे मुझे फॉलो भी करते हैं, ये भाई साहब मुझे फॉलो करते हैं। हाँ वीडियो अच्छी लगती है? बहुत बढ़िया लगती है। थैंक यू सो मच, देखते हैं। देखो थैंक यू सो मच, अपने भाई इतनी इन्फॉर्मेशन तो रखते हैं कि राजा भाई कहाँ पे आज, एक भाई को भी पूछा था भाई लेके कहाँ पे, और एक्चुअली ना मेरा 6 महीने के बाद यहाँ चक्कर लगा, क्योंकि भाई आपको पता भी है मुझे घर में प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। और यहाँ देख रहे हो अन्ना गाड़ी भी आ रही है भाई तमिलनाडु की, तो चलो टैंक वगैरह फुल करते भाई, जो जो भाई आ रहे हैं अपने पंप पे आओ, अच्छा तेल है, अच्छी एवरेज है और अच्छा कॉपरेट है। देखो यहाँ खाने का आराम से बैठ के खाना बना के खा सकते हो, उसके बाद ना रहने का भी फुल मतलब है सिस्टम, रह भी सकते हो, पानी नहाना धोना सब है भाई, सारी फैसिलिटी ड्राइवर के लिए, बेड बेड सब लगा हुआ है, रूम भी है, रात को अगर बंदा रह भी सकता है, खुला पानी कुछ नहीं, सिक्योरिटी भी है ना, सब है। तो सुबह से जैसे हम किसी पार्क होटल का अगर या पंप पे पार्क करते हैं गाड़ी, तो सुबह उठते हैं 20 रुपए दो पार्किंग, ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई ललितपुर में, ऐसा कुछ भी नहीं है टोटली, 20 रुपया कुछ भी नहीं है। अपनी गाड़ी का टैंक फुल हो गया भाई 18,000 में, गाड़ी ने बहुत अच्छा तेल खाया, और वहाँ चेक कर रहे हो भाई कौन लगा हुआ, हल्का सा दिखाएंगे ज़्यादा नहीं भाई, देख रहे हो आराम से यहाँ आने दो और बाहर निकालो और सीधा जाने दो, मैं काटो मत, मेरी साइड रखो अभी, हाँ हाँ और मेरी साइड, अब अपनी साइड काटो, आस्ता 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 आस्ता, अपनी साइड और आराम से ब्रेक मारो, चलो खींचो न्यूट्रल करो, ओ ना बस हाँ हैंड ब्रेक डालो। तो गाइस ये था अपना छोटा सा ट्रेलर, अब गाइस यहाँ से निकलते हैं भाई सीधा अपने मंजिल की ओर, और गाइस करते हैं साथ साथ इस व्लॉग को ही एंड, क्योंकि गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने, तो मिलते हैं साथ साथ एक कंटिन्यू व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।